A very good day to all of you. Today, I am going to discuss the theories of capital structure. In the previous session, we had already discussed the meaning of capital structure, its determinants, its characteristics, everything we had already discussed in the last session. Today, I am going to start with the theories of capital structure. But before starting this topic, let me explain you the meaning of capital structure once again. So, ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है किसी भी फर्म का वो क्या होता है. बेसिकली किसी भी फर्म को बिजनेस करने के लिए लॉन्ग टर्म में फाइनेंस को रेज करना होता है. दैट मींस फॉर रेजिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंस अ कंपनी कैन इशू थ्री टाइप ऑफ सिक्योरिटीज. कंपनी इज गोइंग टू इशू थ्री टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज इक्विटी शेयर, सेकेंड वन इज योर प्रेफरेंस शेयर, and third one is your debenture. So these three securities are very much essential for the company for raising long term finance. Ab jab inhone in three sources ko identify kar liya ki through these sources they are going to raise the long term finance, then they are required to take a decision. So isi case mein firm ko decision lena hota hai ki अब जितने भी सोर्सेज उन्होंने डिसाइड किए हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस हो गया या डिबेंचर हो गया, तो अब इन तीनों सोर्सेज में से कितने कितने पोर्शन आपकी इक्विटी के होने चाहिए, कितने पोर्शन आपके प्रेफरेंस के होने चाहिए और कितने पोर्शन आपके डिबेंचर के होने चाहिए, इन थ्री सोर्सेज पर जब आप डिसीजन लेते हो कि दिस मच ऑफ प्रोपोर्शन कैन बी टेकन फ्रॉम द इक्विटी, दिस मच ऑफ पोर्शन कैन बी ऑफ preference or rest is from the debenture, then this decision can be termed as your capital structure of an enterprise. For example, agar company ne ye decide kar liya ki 30% jo hai wo equity share ka hona chahiye, in a that I am explaining the proportion of a capital structure. Agar 30% equity share ka hai plus आपके 30% प्रेफरेंस शेयर के हो गए, तो रेस्ट आपका कितना बच जाता है 100 में 40%. तो जो 40% है वो डिबेंचर का होगा. तो अगर कंपनी ने इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर इन तीनों सोर्सेस से फंड को रेज किया है, और उस केस में अगर इक्विटी से 30% किया है, प्रेफरेंस से 30% किया है और डिबेंचर से 40% किया है, तो ये जो प्रोपोर्शन के फॉर्म में कंपनी ने डिसीजन लिया, दैट कैन बी टर्म्ड एज योर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटरप्राइज. तो ये बेसिकली मीनिंग है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का. नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. बिफोर स्टार्टिंग दिस थ्योरी, लेट मी टेल यू कि ये जो पूरी थ्योरीज हम लोगों को पढ़नी है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने इन थ्योरीज को दिया है, तो इस केस में आपको एक्सप्लेन करना होगा इन सारी थ्योरीज को, जितनी भी थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे, कि उनका क्या रिलेशन है कैपिटल स्ट्रक्चर से, उनका क्या रिलेशन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से और वैल्यू ऑफ द फर्म से. सो ये थ्री पैरामीटर्स पर ही आपकी थ्योरी पूरी डिफाइन होगी. फर्स्ट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर, सेकंड इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड थर्ड इज द वैल्यू ऑफ द फर्म. तो ये आपकी पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करेगा. नाउ कौन कौन सी थ्योरीज हम लोगों को पढ़नी है, तो दीज आर द फोर थ्योरीज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. In which first is net income approach, इसको NI approach भी बोल सकते हैं. Second one is your net operating income approach, इसको NOI approach बोलते हैं. Third is the traditional approach and fourth is Modigliani and Miller approach. तो ये चारों theories को हम लोगों को detail में पढ़नी है one by one, और इस पर numericals भी हैं. So starting with the first theory, that is the net income approach. So in this case you can see in the net income approach, ये जो net income approach है वो क्या बोलता है. According to this approach, a firm can minimize the weighted average cost of capital and increase the value of the firm as well as market price of the equity share by using debt financing to the maximal possible extent in its capital structure. तो NI approach का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है, according to this approach, अगर firm को
अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज करनी है और अपनी वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज करनी है, तो उस केस में उनको ज्यादा से ज्यादा डेप्ट फाइनेंसिंग करनी चाहिए। या आप ये कह सकते हो कि सपोज यहाँ पर जो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का होगा उसमें मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो है वो डेप्ट का होगा। फॉर एग्जांपल अगर 100% का आपका कैपिटल स्ट्रक्चरिंग रिप्रेजेंट करेगा तो उस केस में 60% आपकी डेप्ट फाइनेंसिंग हो जाएगी और 40% आपकी इक्विटी फाइनेंसिंग हो जाएगी। सपोज अगर दो सोर्सेज हैं, सो उस केस में आपकी जितना ज्यादा आप डेप्ट फाइनेंसिंग करोगे और उससे क्या होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज होगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें आपकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी आ जाती है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ जाती है। तो दोनों कॉस्ट आपकी मिनिमाइज होगी एंड जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो मैक्सिमाइज होगी। और अगर वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमाइज होती है तो उसकी वजह से जो मार्केट प्राइस है शेयर के, इक्विटी शेयर्स के, वो भी इंक्रीज होंगे। अच्छा ऐसा क्यों होगा? बिकॉज डेप्थ जो होता है, अगर डेप्थ का प्रोपोर्शन ज्यादा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाओगे तो उस केस में डेप्थ जो होता है वो आपके चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होती है। दैट मीन्स उसमें आपको फिक्स इंटरेस्ट पे करना होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में आपको डिविडेंड पे करना होगा एंड दैट विल इंक्लूड योर रिस्क ऑल्सो। सो दैट इज वाई डेप्थ इज अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, और जिसमें आपकी कॉस्ट ऑफ जो डेप्थ होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो दैट इज वाई इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम डेप्थ फाइनेंसिंग होनी चाहिए, और जिसकी वजह से आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज होगी और आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज होगी, और उसकी वजह से आपकी जो मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर की वो भी इंक्रीज होगी। नाउ इट इज बेस्ड अपॉन फॉलोइंग अजम्पशंस। अब इस अप्रोच के कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या कहते हैं? पहला अजम्पशन ये बोलता है द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अभी जस्ट मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो होती है वो कम होती है बिकॉज डेप्ट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कम्पेयर टू योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सेकेंड, देयर आर नो टैक्सेस। जब डेप्ट फाइनेंसिंग आप करोगे तो उसमें अलग से आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट पे अलग से आपको कोई भी टैक्सेस पे नहीं करना होगा। Then third, the risk perception of investor is not changed by the use of debt. तो जो perception है investors का वो debt use करने से change नहीं होने वाला है। So these three assumptions need to be considered here in case of net income approach. Now this can also be explained with the help of graph also. यहाँ पर मैंने एक graph बनाया हुआ है। So in this case you can see the cost of debt is represented by this line and the cost of equity is by this line. So in दोनों के केस में डेप्ट का प्रोपोर्शन अगर आप ज्यादा करते हो तो उस केस में जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमाइज हो जाएगी। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, बिकॉज वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमाइज होगी, इसमें इंक्रीज होगी, तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह से आएगा कि आपको कैलकुलेट करना होगा कि वट कैन बी द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म अगर आपको NI अप्रोच से कैलकुलेट करना होगा देन यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस फॉर्मूला। वी इज इक्वल टू ई प्लस डी, वेयर वी रिप्रेजेंट योर टोटल मार्केट ऑफ द फर्म, E represent your market value of the equity share and D represent your market value of the debt. Okay. Now, for the E, that is market value of the equity share, अगर आपको market value of equity shares भी निकालने हैं then you are required to follow this formula. अब ये formula क्या है? This formula is written over here. E is equal to earning available to equity shareholders divided by equity capitalization rate. ये formula आपको use करना होगा so that you can able to identify the value of this E, where E represent your market value of equity share. अगर equity shares की आपको market value identify करनी है तो उस case में आपको ये formula use करना होगा. Then if you want to identify the overall cost of capital, K naught, or
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों चीजें सेम होती है, या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप कहिए या उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहिए, तो यहां पर जो डेप्ट और इक्विटी दोनों की जो कॉस्टिंग आएगी उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो उसको अगर कैलकुलेट करना होगा तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ईबीआईटी बाय वी, वेयर ईबीआईटी रिप्रेजेंट योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ईबीआईटी स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड taxes. So, in order to discuss or I'm going to explain with the help of numerical also. See this question. Agar ye question puchta hai, X Limited is expecting an annual EBIT, that is earning before interest and taxes, of rupees 1 lakh. The company has rupees 4 lakh in 10% debenture. The cost of equity capital और कैपिटलाइजेशन रेट, मींस कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो है और उसका जो कैपिटलाइजेशन रेट है दोनों सेम होता है, इज 12.5%, देन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ ए फर्म एज पर एनआई अप्रोच। ये ए पार्ट है क्वेश्चन का। और दूसरा पार्ट क्या कहता है, इफ डिबेंचर डेप्थ इज इंक्रीज्ड टू रुपीज 6 लाख, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड कैपिटलाइजेशन रेट। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम लोग न्यूमेरिकली स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ईबीआईटी, यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट इज 1 लाख, एंड डिबेंचर की वैल्यू 4 लाख दी हुई है, कैपिटलाइजेशन रेट 12.5 गिवन है। तो ये पहला ए पार्ट सॉल्व करते हैं। नाउ लुक एट हियर, यू कैन मेक लाइक दिस, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म व्हाट यू नीड टू डू इज फर्स्ट EBIT, which is given in the question, that is net income. Net income कितनी दी हुई थी? 1 lakh. So 1 lakh amount you can substitute here. अब इसमें से क्या करना है आपको, less करना है interest on 10% debenture of 4 lakh. यहां पर आपका given था question में, the company has issued 4 lakh in 10% debenture. तो इसका 10% आपको interest pay करना है, तो that you are going to deduct, because आपको interest pay करना होगा। सो इन दिस केस 10% अगर 4 लाख का आप कैलकुलेट करोगे तो 40,000 आ जाना है। तो 1 लाख जो नेट इनकम थी उसमें से 40,000 आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो आपके पास कितना बचा? 60,000. तो ये जो 60,000 आया है, दिस इज द अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब अगर आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर था, उस कैपिटल स्ट्रक्चर में दो सोर्सेस थे, डेप्थ एंड इक्विटी, तो डेप्थ के इंटरेस्ट का अमाउंट आपने पे कर दिया, दैट इज 40,000. अब बाकी कितना बचा? 1 लाख में 40,000 आपने पे कर दिया, तो बचा कितना? 60,000. तो 60,000 आपकी अर्निंग अब किसके लिए अवेलेबल रहेगी? वो अवेलेबल रहेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। सो दैट इज 60,000 अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन रेट गिवन इन द क्वेश्चन इज 12.5. You can see from here, it is given 12.5. तो 12.5 हमने लिख लिया यहाँ पर। अब market value of equity share calculate करना है। तो market value of equity calculate करने के लिए formula था हमारा earning available to equity shareholder divided by market capitalization rate. तो 60,000 divided by 12.5% है। तो that means आपको 100 से multiply कर देना है। Then you will get this 4,80,000. ठीक है? Now, next is given market value of the debt. This is already given in the question. Debt ki value, yahan par 4 lakh already question mein given hai. So that I had substituted here. Why I had substituted? Because I have to identify the value of the firm. So value of the firm ko nikalne ke liye, jo humara yahan par formula tha, wo tha E plus D. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स। तो इस केस में आपने ई प्लस डी निकालना है। ये ई आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 4,80,000, एंड डी इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट 4 लाख। आफ्टर एडिंग बोथ द वैल्यूज, दैट इज ई प्लस डी, यू विल गेट 8,80,000. सो दिस 8,80,000 इज योर वैल्यू ऑफ द फर्म। नाउ इन दिस केस आपको अब कैपिटलाइजेशन रेट भी बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए। सो इन दिस केस कैपिटलाइजेशन रेट का जो फॉर्मूला था वो था ईबीआईटी बाय वी। तो वी तो भी आपने कैलकुलेट कर लिया, और ईबीआईटी क्वेश्चन में गिवन था। ईबीआईटी गिवन इन द क्वेश्चन इज
1 lakh. तो 1 lakh आपने यहां सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू ऑफ द फर्म अभी कैलकुलेट हुई है, दैट इज 8,80,000, वो आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया. फर्दर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 0.1136. नाउ इफ यू वॉन्ट दिस इन परसेंटेज देन आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन यू विल गेट 11.36. सो दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म एज वेल एज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नाउ अब यहां पर हम लोग ये देख लेते हैं जो सेकेंड पार्ट बोल रहा था. सेकेंड पार्ट ये बोल रहा था कि इफ द डिबेंचर डेप्थ इज इंक्रीज टू 6 लाख देन व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड कैपिटलाइजेशन रेट. तो इस केस में जो डिबेंचर की वैल्यू थी बस उसको हम लोगों को चेंज कर लेना है. तो नाउ इन दिस केस वैल्यूएशन ऑफ द फर्म इफ डेप्थ रेजेस टू 6 लाख तो नेट इनकम तो सेम रहेगा 1 लाख देन लेस इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर ऑफ 6 लाख. अब 6 लाख पे आपको 10% निकालना है, दैट मींस यू विल गेट 60,000. अब कितनी अर्निंग अवेलेबल रहेगी आपकी इक्विटी शेयर के लिए, ये तो डेप्थ को 60,000 आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो बचा आपके पास 1 लाख माइनस 60,000, दैट इज 40,000. तो ये 40,000 आपके पास अर्निंग अवेलेबल हो गई इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए. नाउ मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 12.5%. सो इसकी हेल्प से अब हम लोगों को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना है, दैट इज ई. ई को निकालने के लिए फॉर्मूला था अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट, दैट इज 40,000 डिवाइडेड बाय 12.5%. तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 12.5, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 3,20,000. नाउ ये आपकी ई आ गई. अब डी कैलकुलेट करना है, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 6 लाख. तो अब ये जो 6 लाख गिवन है वो यहां पर आप डी डायरेक्टली लिख लेंगे. देन आफ्टर एडिंग बोथ द वैल्यूज ई एंड डी यू विल गेट दिस वी वैल्यू ऑफ द फर्म 9,20,000. तो अगर डेप्थ की वैल्यू आपने इंक्रीज की फ्रॉम 4 लाख टू 6 लाख देन द वैल्यू ऑफ फर्म विल बी 9,20,000. अब इसका कैपिटलाइजेशन रेट भी निकाल लेते हैं, दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. द फॉर्मूला इज ईबीआईटी बाय वी. तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 1 लाख वो सेम एज इट इज रहना है, देन 9,20,000 वी हो जाएगा बिकॉज इस केस में आपका जो वी आया है वो है 9,20,000. सो दिस आई हैड सब्स्टिट्यूटेड हियर. देन इन केस ऑफ परसेंटेज अगर आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए तो वो आ गया 10.86. सो दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब एक चीज यहां पर देखिए, ये एनआई अप्रोच थ्योरी थी. एनआई अप्रोच में ये क्या बोल रहा था कि जब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्थ फाइनेंसिंग इंक्रीज करते हैं तो उस केस में आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमाइज होगी और वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी. सो इन दिस केस यू कैन सी जब यहां पर आपकी डेप्थ फाइनेंसिंग आपकी 4 लाख थी तो उस केस में जो कैपिटलाइजेशन रेट आया वो 11.36 आया और उसकी जो वैल्यू फॉर्म आई वो 8,80,000 आई. जैसे ही आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्थ का जो पोर्शन है उसको इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 4 लाख टू 6 लाख तो उस केस में आपकी कैपिटलाइजेशन रेट कम हो गई, दैट इज 10.86%, और जो वैल्यू ऑफ फॉर्म है वो इंक्रीज हो गई फ्रॉम 8,80,000 टू 9,20,000. सो दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन एनआई अप्रोच. इन द नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम अहेड.